वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम आपको तरबूज का जूस बनाना सिखाएंगे। तरबूज गर्मियों का आलम फल है जो निहायत फरहत बख्श और सर्द तासीर रखता है। माहिरीन के मुताबिक तरबूज गर्मियों में किसी नेमत से कम नहीं है, क्योंकि ये गर्मी की जिस्म में गर्मी की शिद्दत को कम करता है। ये देखते हैं कि वाटरमेलन का किस तरह से बनाया जाता है। इसके लिए हमें सबसे पहले एक वाटरमेलन का, ये देखिए, स्लाइस चाहिए। बड़ा वाला पीस लिया है मैंने। एक दो पिंच मैंने काले नमक की ली हैं, दो पिंच मैंने सफ़ेद नमक की ली हैं, और इसके अलावा मैंने हाफ प्याली चीनी ली है। यहाँ मैं आपको बताती चलूँ कि अगर आपका पास जो ये तरबूज मौजूद हो वो ज़्यादा मीठा है तो आप लोग इसमें चीनी की मिकदार कम कर सकते हैं। सबसे पहले हम इस तरबूज को स्लाइसेस में कट कर लेंगे ताकि ग्राइंड करने में मुश्किल ना हो। इस तरह मैं आपको बताती चलूँ कि तरबूज को अगर हम खाएं तो इससे हमारे जिस्म में जो पानी की कमी हो जाती है, अक्सर गर्मियों में पानी की कमी पूरी करता है हमारा तरबूज, क्योंकि इसके अंदर 90% पानी और 10% कैल्शियम विटामिन मौजूद होते हैं। तो इस तरह से हम इसको कट करेंगे। ये देखिए, इजीली फिर हमारा जो तरबूज है वो ग्राइंड हो जाता है। ये हमने तरबूज के स्लाइसेस कट कर लिए। ये था जो हमारा फर्स्ट स्टेप, तरबूज को कट करना। हमने ब्लेंडर ले लिया है, ग्राइंडर। इसके अंदर हम ये तरबूज के पीसेस डालेंगे इस तरह से। ये हमने इसके अंदर ऐड कर दिए। ये चीनी ऐड करेंगे इसके अंदर हाफ। इसके अलावा काला नमक अभी हम नहीं ऐड करेंगे, अभी सिर्फ हम इसके अंदर वाइट सॉल्ट ऐड कर देंगे। तमाम चीज़ें हमने इसके अंदर ऐड कर दी। अब हम इसको अच्छी तरह से ब्लेंड कर लेंगे। देखिए, ये देखिए, जूस अच्छी तरह से ग्राइंड हो चुका है। अब हम छलनी लेंगे और इस बोल के अंदर आहिस्ता आहिस्ता से इस जूस को छान लेंगे। इस तरह से करके, ताकि इसमें से जो भी तमाम बीज वगैरह हैं वो रिमूव हो जाए। ये देख रहे हैं आप, इसका सॉलिड पार्ट निकलना शुरू हो चुका है और लिक्विड नीचे आ रहा है। इस तरह से करके हम तमाम जो भी ग्राइंडेड जूस था ये इस बॉल के अंदर निकाल लेंगे छानने की मदद से। ये देखिए, मैंने जूस को ड्रेन कर लिया है। अब हम इसके अंदर हसबे ज़रूरत काला नमक ऐड कर देंगे। आप अपने टेस्ट के मुताबिक काला नमक को कम ज़्यादा कर सकते हैं और इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। ये हमारा जूस मिक्स हो चुका है, इसको आप डिश आउट कर लेते हैं। लीजिए, टेस्टी सा जूस तैयार है। आप इसको मौसम गर्मा में ट्राई कीजिए और अपने तमाम किडनी के जितने भी जिन लोगों को इश्यूज़ हैं वो इसको सुबह निहार मुंह पिए, उससे आपकी किडनी में जो भी इश्यूज़ हैं वो तमाम सॉल्व हो जाएंगे।